नहीं हो इसके आला है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कह देना। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के पीछे असदुद्दीन ओवैसी का एजेंडा क्या है? अपने दिलों में इंकलाब पैदा करो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का और दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो तमाम गुलामी की साइकिलों की जंजीरों को। यूपी चुनाव में क्या ओवैसी करेंगे बड़ा खेल? नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यूपी में ओवैसी की एंट्री ने कई पार्टियों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ओवैसी की नजर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े मुस्लिम नेता हैं और उनके चाहत यूपी में राजनीतिक जमीन तलाश कर मुस्लिम वोट बैंक अपने पक्ष में करने की है। AIMIM आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर सीधा तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटों पर पड़ने वाला है। थोड़ा असर BSP के वोटों पर भी पड़ सकता है, लेकिन इसका सीधा फायदा BJP को मिल रहा है। यही वजह है कि समय समय पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP सभी पार्टियां ओवैसी पर BJP से मिले होने का आरोप लगाती हैं। हालांकि इन सब से इनकार करते हुए ओवैसी ने उल्टे सभी पार्टियों पर वार भी किए हैं। और इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिलावा है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है, तुम बार बार नहीं इनसे मिले, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच में मिलावट। यूपी की 82 विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों की हार जीत निश्चित करने की ताकत मुस्लिमों का ऐसा वोट बैंक बनाता है जिन्हें कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब तक यूपी में मुस्लिम वोट पर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां ही अपना एकाधिकार समझती रही हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सीरियस एंट्री ने मुसलमानों के वोटों के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य तो है, साथ ही मतदाताओं में यहाँ मुस्लिमों की भागीदारी 19% है। यहाँ की लगभग 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बहुत निर्णायक माने जाते हैं। राज्य की दो प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और BSP का मुस्तकबिल भी इन्हीं मुस्लिम वोटर्स के जरिए तय होता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 64 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या घटकर 23 रह गई। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 38 उम्मीदवार मैदान में उतारे, 37 नेताओं की जमानत जब्त हो गई। राज्य में ओवैसी की पार्टी को 2.46% वोट मिले, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर ओवैसी की पार्टी की जीत नहीं। अब यूपी चुनाव के लिए ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि 5 साल में 5 CM होंगे जिनमें एक नाम ओवैसी का भी है। देश के सबसे बड़े राज्य में ओवैसी का फैक्टर कई दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ओवैसी पहले ही यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। सीटों का बंटवारा होने से पहले ओवैसी जिला दर जिला दौरा कर रहे हैं, पहले पूर्वी यूपी, फिर पश्चिमी यूपी और अब सेंट्रल यानी अवध वाले क्षेत्र में ओवैसी सभी पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। जिस तरह उन्होंने बिहार के मुस्लिम बहुल सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, उसी तरह यूपी में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति तय है। उनके गठबंधन में जो पार्टियां हैं भले ही उनका ज्यादा असर ना हो, लेकिन ओवैसी की पार्टी की तरफ से मुस्लिम वोटर्स का रुझान लगातार बढ़ रहा है। ओवैसी की यूपी में ये एंट्री भले ही थोड़ा बहुत BJP को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ओवैसी सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी का पहुंचा रहे हैं।
वजह है समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक जो काफी मजबूत रहा है। अभी भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। ओवैसी की पॉलिटिक्स है कि वो मुस्लिम बहुल सीटों पर जाएं और सीटें जीतें। जो ट्रेंड है उससे तय है कि ओवैसी जहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा। जहां भी 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, वहां हो सकता है कि मुस्लिम वोटर उनसे प्रभावित भी हो। यूपी के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन एंटी बीजेपी वोट करने वाले मुस्लिम क्या वो गलती करेंगे जो उन्होंने साल 2017 के चुनाव में की थी? पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत का स्वाद चख चुकी है। पिछली बार वोट का बंटवारा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में हुआ, लेकिन इस बार बीएसपी के ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देने पर ओवैसी की पार्टी उनकी जगह ले चुकी है। जाहिर है यूपी के विपक्ष का बिखराव और ओवैसी का सियासी पिच पर कूदना बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता भी आसान करता दिख रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।